आप सबको जय मसीह की। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। जितने भी लोग इतना को सुन रहे हैं, हम उन सब के लिए और जो लोग हमें मैसेजेस, फोन कॉल्स करते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब में, उन लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। उन सब के प्रार्थना निवेदनों को प्रभु की उपस्थिति में रखते हैं। तो आइए हम सब मिलकर दुआ करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए मेरे प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने ये सुंदर समय हमारे जीवन में दिया। प्रभु जी, इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवितों की पृथ्वी पर प्रभु हमारे प्राणों को हिफाजत से हमें जीवित रखा। प्रभु इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु सच में आप प्रभु परमेश्वर अल्फा और ओमेगा हैं। प्रभु आप यहोवा राफा हैं। प्रभु आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। आप प्रभु हमारे लिए प्रभु हमारी ढाल हैं। परमेश्वर इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके अगाप्पे प्रेम के लिए यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमसे प्रेम किया। प्रभु हम पापी थे पर प्रभु आपने हमें पापी नहीं गिना, वरन आपने हमें धर्मी ठहराया प्रभु और हमसे प्रेम किया प्रभु, क्योंकि आप प्रभु पापियों के लिए इस धरती पर आए ताकि प्रभु वो नाश ना हो परंतु वो आप पर विश्वास करके अनंत जीवन को पाए। प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते हैं। तो प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जितने भी लोग प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, उन लोगों को प्रभु आपकी हुजूरी में, आपकी उपस्थिति में, पवित्र उपस्थिति में लेकर आते हैं यीशु। हर एक को प्रभु आपके पवित्र नाम से आशीषित देते हैं प्रभु, ब्लेसिंग्स देते हैं परमेश्वर पिता। यदि प्रभु परमेश्वर अभी प्रभु कोई भी किसी भी रीति से परमेश्वर परेशान है, प्रभु दुखी है परमेश्वर, यदि प्रभु उनके मन में प्रभु कोई भी बड़ी बात है जो उन्हें खाई जा रही है, यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु वो सारी टेंशन आप उनके जीवन से दूर कीजिए। प्रभु आप उनकी ढाल हो जाइए, उस परेशानी से आप उनके लिए लड़िए। परमेश्वर पिता आप उनकी ढाल बन जाइए, आप उन्हें सुरक्षा दीजिए, आप उनके बिगड़े कामों को बनाइए। प्रभु पिता हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए प्रभु जो प्रभु मेंटली डिस्टर्ब है परमेश्वर पिता, जिस किसी के परिवार में या फिर किसी की फैमिली में कोई भी जन प्रभु मेंटली डिस्टर्ब है, यीशु मसीह आप अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाइए प्रभु, और प्रभु जी आप उन्हें छू लीजिए प्रभु जी, और प्रभु आप उन्हें सेंस में लाइए प्रभु, आप प्रभु जी उन्हें रिकवर करें प्रभु जी। आप प्रभु यदि उनकी इंद्रियां प्रभु जी वर्क नहीं करती है, यीशु मसीह नासरी के नाम से वो काम करने लगे प्रभु जी, वो ठीक हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु यदि दुष्ट उनके जीवन में ये कार्य करता है तो प्रभु दुष्ट के कार्य उनके जीवन से कैंसिल आउट करते हैं। प्रभु आप उन्हें चंगा करें, आप उनकी ढाल हो जाइए परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए परमेश्वर पिता जिन पर परमेश्वर प्रभु गलत आरोप लगाए गए हैं प्रभु, उनके जीवन में बहुत सारे केसेस चल रहे हैं पिता, यीशु मसीह आप उन्हें इन सारी गलत बातों से निकाल कर प्रभु उनकी ढाल बन जाइए। प्रभु आप उन्हें छुटकारा दें, आप उनके लिए मार्ग को तैयार करें प्रभु, आप परमेश्वर उन्हें सारी इस बदनामी से परमेश्वर पिता आप निकाले। यदि प्रभु जी कोई भी प्रभु किसी का भी काम यदि बनता नहीं है प्रभु, चाहे वो कोई भी काम हो, यीशु मसीह तेरे नाम से वो कार्य बनने पाए परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन यदि कोई अपने लिए जमीन खरीदना चाहता है प्रभु, यदि कोई अपने लिए मकान तैयार करना चाहता है प्रभु जी, आप उनके आगे आगे चलकर प्रभु उनके लिए युक्तियों को बनाए, आप उनकी युक्तियों को सफल करें परमेश्वर, आप उनके मनोरथों को पूरा करें प्रभु अपने वचन के अनुसार परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु जो बच्चे परमेश्वर एडिक्शन में हैं, यीशु मसीह हम तुझसे दुआ करते हैं प्रभु वो सारे एडिक्शन उनके जीवन से चले जाएं यीशु के नाम से। प्रभु जी आप पूर्ण रीति से छुटकारा दीजिए प्रभु जी, आज ही से उनका जीवन बदल जाए यीशु के नाम से। प्रभु धन्यवाद प्रभु, जिसकी संतान नहीं है उसे संतान की आशीषें दीजिए प्रभु पिता, जो आपसे प्रभु संतान की आशीषों को चाहते हैं वो उन्हें संतान की आशीषों को दीजिए प्रभु। जिनके रिश्तों में प्रभु गड़बड़ियां हैं, जिनके परिवारों में कलेश है प्रभु, रिश्ते और परिवारों को प्रभु आप जोड़ें, उनके परिवार पर प्रभु उनके रिश्तों पर आशीष दीजिए प्रभु जी, आप उनके बच्चों पर आशीष दीजिए प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो लोग प्रभु जिनके कारोबार में प्रभु वृद्धि नहीं हो रही है प्रभु यीशु, आप उनके कारोबार पर आशीष दीजिए, उस पे वृद्धि दीजिए प्रभु परमेश्वर, इंक्रीमेंट दीजिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद जो अपनी सैलरी इंक्रीमेंट के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु, उनकी सैलरी पर उनकी कमाई पर आप आशीष दीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु यदि आज के दिन में प्रभु कोई भी किसी भी बीमारी से पीड़ित है परमेश्वर, यदि किसी
को बुखार है, पेट दर्द है प्रभु, यदि कोई भी छोटी मोटी बीमारी है यीशु मसीह, छोटा मोटा कोई भी पेन है यीशु के नाम से उस दर्द को, उस बीमारी को डांट कर उनके जीवन से, उनके शरीर से डांट कर आज्ञा देते हैं कि निकल जाए वो बीमारी यीशु के नाम से। प्रभु आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, छू लीजिए प्रभु आपका वचन प्रभु, उनने उनके जीवनों में कार्य करे प्रभु, क्योंकि आपने प्रभु ने चंगा किया है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, इन सारी प्रार्थना को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।